अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं रही। कोई जगह नहीं रही याकूब साहब। अब ये जंग सलामती की जंग है और इसलिए मैं भी उस्मान साहब के साथ हूं। उस्मान साहब पर इल्जाम लगाना फजूल है। हम वही करेंगे जो उस्मान साहब कहते हैं। सुल्तान होना कठिन दौर में सही आदमी की बात सुनने का नाम है। चलिए हम भी देखते हैं याकूब साहब। मैं अपने सरदारों की बात सुनता हूं। हाँ तो अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? इस सरजमीन पर हमारे सिपाहियों और सरदारों का खून बहाया गया। ये हमारा वतन होगा और ये घर होगा और हम इस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। आ जाओ। हमें मोहतात रहना होगा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तुर्को? रुक जा। आप लोग जाके वो फूल तलाश करें, मेरी बहन को बचाएं। शहजादे गोकमान तुम भी जाओ। तुम इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अकेला वो कुछ कर सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते, और अपनी बहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपका काम जिंदा रखना है और मेरा काम जान से मारना। चाहिए चलो चलते हैं। आ जाओ जल्दी से। मार डालो इन्हें। होशियार हो जाए हर कोई। उस तरफ बाबा चलिए। बाबा आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। तुम ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। वो लड़ नहीं सकते, इन पर हमला करो अली खान के लोगों। ये लोग हमें आज मारने के लिए पुरअज़म है मेरे सुल्तान। मैं आज अपनी बेटी को देखने से पहले नहीं मरूंगा। हम सरहदी बाजार जाएंगे। यकीनन हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे याकूब साहब। बनो, तीरों के रुकते ही मैदान हमारा है, समझे? जो आपका हुक्म। वो फूल वो यहीं कहीं झाड़ियों के नीचे होगा। ढूंढो अलाउद्दीन, ढूंढो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। कोशिश करो। आ! आ!
जल्दी आओ, जल्दी आओ, और तुम्हारी बारी है। ये तो वही भूल है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। हमें हमें और फूल चाहिए होंगे, ये काफी नहीं है। और फूल, हमें और फूल ढूंढने होंगे। अलाउद्दीन, और फूल ढूंढो, ढूंढो। मिल गए फूल मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक हो जाओगे तुम लोग, ठीक हो जाओगे। बस थोड़ा सा सफर करो। सादत खातून, बाला खातून, इसका बुखार बहुत बढ़ता जा रहा है। अलाउद्दीन ने बर्फ रखने को कहा था, लड़कियों ने तैयार कर ली होगी। फितनात, फितनात, नस्मत, चलो जल्दी बर्फ लेकर आओ। गौंजा, मैंने बाकियों को बर्फ दे दी है और ये आपके इस्तेमाल के लिए। गौंजा, जल्दी करो। अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी। हार क्यों नहीं मान लेते तुम? तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक ही है, सिर्फ मौत। तुम दूसरों के पीछे जाओ फौरन। पहले मुझसे तो निमट लो। मैं जीतूंगा तो मेरी बहन को शिफा मिलेगी। बस थोड़ा सा सबर करो तुम लोग, बस थोड़ा सा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मिल गए वो फूल, मिल गए वो फूल, मिल गए वो फूल, मिल गए मेहमान, मिल गए वो मुझे। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। यही है ना जरकुदाई भाई? हाँ यही है, यही है। हमें जल्दी से बाजार जाना होगा, चलो घोड़ों की तरफ, जल्दी चलो। जनाब, आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा और याकूब साहब की बेटी के भी। आपको सरहदी बाजार जाना चाहिए। आवाज पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हरगिज नहीं जनाब, आपको नहीं रुकना चाहिए यहाँ। आज तुम इन सब का सामना करोगे और इसी जंगल में सभी को नेस्त नाबूद कर दोगे। जो आपका हुक्म। मार डालो इन्हें। चलो कानून, चलो सिपाहियों, याकूब साहब आ जाइए, चलो। चले आ जाइए। सिपाहियों, सब जंगल की तरफ जाओ। जब तक सरदार बाजार तक ना पहुंच जाए, तब तक ना हम जंगल से निकलेंगे ना ये काफिर। चलो चलो सिपाहियों। तुम्हारे बाबा तुम्हें बचा लेंगे। मेरे शोहर शहीद हो गए, इन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्हें मत लेकर जाओ, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये अपने बाप की तरह बहादुर है ना? इसने भी मेरी तरह उम्मीद के साथ इंतजार किया है। अभी तो ये अपने बाबा से मिला था, बाबा बोलना ही शुरू किया था, लेकिन इसे क्या हो गया? आलगन, मत रो ऐसे, मायूस नहीं होना चाहिए।
ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बोला कुर्बान जाओ कि ये दर्द आपने कैसे बर्दाश्त किया। इम्तिहान है ये, वही देता है और वही लेता है। बेबस हैं हम। ये दुनिया धोखे की जगह है, अपनी बेटी की हसरत आखरत के लिए बचा कर रखती है। आंसू साफ करो, चलो। यहां से सबकी लाशें वापस जाएंगी, कोई भी तुर्क जिंदा नहीं बचेगा। वो इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। देखते हैं इस जंगल से कौन निकल नहीं पाएगा। चलो। सरजमीन में बहुत से काफिर दफन है, अब तुम्हारी बारी है दफन होने की। भाई की मौत का बदला लूंगा मैं इनसे। आप चला सो। हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलते हैं। अब तुम सब मारे जाओगे। गुनू साहब, इन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सिपाहियों, हमें पीछे हटना ही होगा, चलो पीछे की तरफ। जल्दी करो, जल्दी हमला करेंगे। आ जाओ। छोड़ के जा रही है हमारी बच्ची। कहाँ है गोजा? उधर खेमे में। अलाउद्दीन को उसका इलाज मिला कोई? तलाश जारी है। जरकुताई को कुछ याद आ गया है, वो जड़ी बूटी ढूंढने गए हैं, मगर मुझे डर है कि ज्यादा वक्त नहीं है। हमारा बेटा जरूर कुछ करेगा, ढूंढ लेगा, वो ढूंढ लेगा इंशाल्लाह। बाला वालिदा, बाबा जख्मी है।
उस्मान, ये तो जख्म है। ओह, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। जहर आलूदा तीर लगा है जिसका असर तेजी से हो रहा है। ये नीला हो गया है, अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा उस्मान। बाला, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। उरहान बेटा, उस्मान साहब को खैमे में लेकर जाओ, मैं मरहम लेकर आती हूँ। जब तक अलाउद्दीन के आने तक जहर का असर आहिस्ता हो जाएगा। फिक्र की बात नहीं, फिक्र मत करें। चलिए। सुनो बेटा, किसी को भी कुछ मत बताना। बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपकी जान को खतरा है। तुम फिक्र मत करो इसकी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। चलो, तरियाक मिलने तक बर्दाश्त कर लूंगा मैं। चलो आ जाओ। सुबह कामयाब हो गया है, उस्मान साहब पहुंच गए होंगे बाजार। चलो सिपाहियों। जल्दी करो, जल्दी। जल्द ही अल्हानी रियासत की ताकत को देखेंगे। मैं इनकी जमीनों को इस हद तक कुचल दूंगा कि इनकी जमीन कभी सरखेज नहीं हो सकेगी। हालात ठीक नहीं है उस्मान, अब तक ज्यादातर जख्मी शहीद हो गए हैं। उस्मान, वो सब है। उस्मान अब ठीक है? इसकी कीमत चुकाएंगे। बाबा को भी तीर लगा है। तीर लगा है? उस्मान, इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ। उस्मान, उस्मान, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। अलाउद्दीन, उस्मान, या अल्लाह हिफाजत फरमा। बाबा। खुशामदीद बाबा। बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? बेटी,